नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह पार्ट आठ है, यह भाग आठ है और कुल सात भाग खत्म हो गया है और हर पार्ट में कुल 50 प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भारतीय इतिहास के प्रश्न हैं और इस तरह से कम 4 से 5 हज़ार प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा यह जो इतिहास की सीरीज होगी जिसमें 4 से 5 हज़ार प्रश्न दिए जाएंगे, यह सीरीज किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए अमोघ अस्त्र साबित होगा आप लोगों के लिए, चाहे TGT PGT हो, चाहे NBS का TGT PGT हो, या KBS का TGT PGT हो, या DSSB का TGT PGT हो, किसी प्रकार के TGT PGT के लिए परीक्षा के लिए, या उत्तर प्रदेश की PCS के लिए, मध्य प्रदेश PCS के लिए, झारखंड, राजस्थान, किसी भी प्रकार की, हम कहना चाहते हैं किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा दी गई सामग्री परफेक्ट है। आइए भाग आठ देखते हैं इतिहास का। जो प्रश्न सही है इसमें, जो विकल्प सही रहेगा उसमें ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है। प्रश्न नंबर एक, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो बनवाया था अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलाखंड को, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ही अशोक के शिलालेख को पढ़े थे, वो पहले अंग्रेज थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और वह सेलिकस के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेलिकस को हराया था, 305 ईसा पूर्व में। और जब सेलिकस हार गया तो सेलिकस ने अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चार प्रांत उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार स्वरूप 500 हाथी सेलिकस को भेंट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा ऐसा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? वह था अशोक, सम्राट अशोक जनता का बहुत ही प्रिय था और वह जनता के संपर्क में रहता था, उसके सुख दुख में भागी बनता था। प्रश्न नंबर छः अशोक के 261, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रुकिए, यह जो सेलिकस वाला मामला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस को कब पराजित किया था, हम बताए थे कि जो विकल्प सही है उसमें ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है, लेकिन यह जो विकल्प बी है यह सही नहीं है, यहाँ विकल्प सी सही होगा, 305 ईसा पूर्व। तो कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, आप समझ सकते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो 261 ईसा पूर्व में जब अशोक कलिंग को जीत लिया तो उसने भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। वह अहिंसक हो गया पूरी तरफ से। उसने हथियार को हमेशा बंद कर दिया, हथियार चलाना बंद कर दिया अशोक ने और युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया। प्रश्न नंबर सात, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो जो अशोक के शिलालेख हैं, जो 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, कुछ गुहा लेख भी हैं, तो अशोक के जो भी अभिलेख हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और उस भाषा की कौन सी लिपि है? तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि है और जो भाषा है वह अर्धमागधी है। अर्धमागधी को प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है, ब्रिसल। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है उसमें शामिल है? अशोक के शिलालेख जो 14 शिलालेख हैं उसमें से कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है? संगम राज्य का मतलब चोल, पांड, चेर, सातकड़ी, सातवाहन, ये सभी संगम राज्य वंश के बारे में ही हैं, ये सभी संगम राज्य हैं। तो इनके बारे में जानकारी अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? तो अशोक के दूसरे और तेरहवें शिलालेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है, दूसरे और तेरहवें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक नाम दिया गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत था? तो अशोक के जो
जो वक्तव्य मतलब यह जो भी वक्तव्य है, कुल चार वक्तव्य हैं, तो इसमें से कौन अशोक अशोक का जो प्रस्तर स्तंभ है, स्तंभ अभिलेख है, उसके बारे में गलत है। तो इन पर बढ़िया पालिश थी, यह बिल्कुल सही है। अशोक के जो भी स्तंभ थे उसमें बढ़िया पालिश लगी हुई थी, वे अखंड थे, मतलब वो खंड खंड नहीं थे, केवल एक पूर्ण पत्थर का ही पर ही वो अभिलेख थे। ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये बिल्कुल नहीं है, स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है स्तंभ लेख। जो स्तूप हैं, जो स्तूप हैं वो जो चैत्य हैं, जो भवन हैं, वही स्थापत्य में आते हैं। यह जो स्तंभ अभिलेख है यह स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। स्तंभों का सिफ्ट सुंदराकार है। अशोक का जो स्तंभों का सिफ्ट है वो सुंदराकार है बिल्कुल। जो स्तंभ लेख हैं, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो घंटाकृति हैं, घंटे की आकृति का है पूरा लेख है, बहुत सुंदर है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? देखिए, जो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, इसकी जो स्थापना किए थे यह अशोक। तो दोस्तों, कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उसकी स्थापना किया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौटिल्य थे, चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो अर्थशास्त्र के रचयिता थे, और अर्थशास्त्र में ही सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गुंथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? देखिए, अशोक को जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तो उसमें बौद्ध धर्म दीक्षित करने का कार्य किसने किया था? तो उसमें उपगुप्त नाम का बौद्ध भिक्षु था जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था उपगुप्त। प्रश्न नंबर 15 देखिए, किसने पाटलिपुत्र को पालीग्रोथा कहा गया है? पोलीग्रोथा। पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा किसने कहा है? तो इसमें मेगस्थनीस सही है। मेगस्थनीस ने पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहा गया है। देखिए, पाटलिपुत्र में जो भवन थे, जो राजमहल थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था पूरा लकड़ी का बना हुआ था, इसमें इस मेगस्थनीस की इंडिका में इस बात का जिक्र है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? जो सड़क निर्माण अधिकारी थे या भवन सड़क निर्माण अधिकारी थे उन्हें एग्रोनोमोई कहा जाता था। मौर्य काल में वो सड़कों का निर्माण कार्य करते थे, जिसे इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जो PWD है वह जैसे सड़क निर्माण से संबंधित है, वैसे ही यह एग्रोनोमोई थे। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। और जो गुप्तचर विभाग था वो दो भागों में विभक्त था, एक था संस्था, दूसरा था संचार। संस्था जो था उसमें जो गुप्तचर थे एक जगह रहते थे, और संचार में वह गुप्तचर अलग अलग जगह पर जाते थे और गुप्तचरी का काम करते थे। प्रश्न नंबर 18, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के अनुरूप ढालने का कोशिश किया था? देखिए, मौर्य सम्राट अशोक थे, उससे बहुत से राजा महाराजा भी उससे प्रभावित थे, इम्प्रेस थे। उसमें जो श्रीलंका के शासक थे कृष्ण, वह सम्राट अशोक से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने सम्राट अशोक के अनुरूप ढालने का प्रयास किया था खुद को। प्रश्न नंबर 19, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परशिष्ट पर्वन जैन धर्म का वह ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है, और परशिष्ट पर्वन के जो रचयिता हैं वह हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र ने इसकी रचना किया है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? मौर्य काल में जो राजकोषीय वर्ष होता था वो प्रारंभ होता था आषाढ़ के महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। शिलालेखों में अशोक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, उसमें सब कुछ जानकारी दे दिया गया है। अशोक के काल में कौन सी लिपि साउथ भारत में परिवर्तित हुई थी? देखिए, ब्राह्मी लिपि थी अशोक के काल में, और ब्राह्मी लिपि में ही जितने शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, सभी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो साउथ भारत में यानी उत्तरी दक्षिणी भारत में यह ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी। प्रश्न नंबर 23, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है या किस देश में पाया गया है? मतलब अशोक के जो भी शिलालेख हैं वह इंडिया में है, लेकिन अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जो बाहर भी पाया गया है? तो अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारतीय
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे यह किसकी उक्ति है? तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने कुछ बातें विरोधाभास में बोली हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा है, मेगस्थनीज ने कहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत में दास प्रथा नहीं है, और भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। यह तीनों बातें गलत थीं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? देखिए, सीरिया के शासक थे एंटियोकस, उससे बिंदुसार का जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, उनसे उनका लगाव था, और उन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से प्रार्थना किया था। उनके पास पत्र लिखकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, एक तरह से उनसे मांगा था कि एक अंजीर दिया जाए, कुछ शराब भेजे जाएं और दार्शनिक भेजे जाएं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की गई इसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो तेरहवें शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय का पता चलता है, और उसी में ही संगम राजवंश के बारे में पता चलता है, चोल पांडिचेर के बारे में। प्रश्न नंबर 27 देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, या प्रथम शिलालेख में ही अशोक ने कहा है कि जितने भी मनुष्य हैं हमारे साम्राज्य में सभी मेरी संतान के बराबर हैं, सभी हमारे पुत्र हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो कलिंग का जो शिलालेख है उसमें अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है कलिंग का शिलालेख। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? देखिए, आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। तो इसमें युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक समझ लीजिए, प्रादेशिक रज्जुक युक्त। देखिए, प्रादेशिक सबसे बड़े अधिकारी होते थे, प्रादेशिक के नीचे रज्जुक आते थे, और रज्जुक के नीचे आते थे युक्त। विशिष्ट क्या है? विशिष्ट का देखिए, उसमें मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र में भी जिक्र हुआ है, विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। विशिष्ट क्या है? तो विशिष्ट का मतलब होता है बेगारी। बेगारी आप लोग जानते हैं, किसी से कोई काम कराया जाए, उससे उसको कोई पैसा ना दिया जाए, फ्री में ही काम कराया जाए, निःशुल्क काम कराया जाए। तो मौर्य काल में भी विशिष्ट का उल्लेख है, विशिष्ट बेगारी कराया जाता था। जो सम्राट होता था वह मतलब कि कुछ दिन राजा के लिए राजदरबार में बेगारी कराई जाती थी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से जो भी आय प्राप्त होता था उसे सीता कहते थे, जो भी लगान प्राप्त होता था उसे सीता कहा जाता था मौर्य काल में। प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। स्तंभ ही मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे, 7 स्तंभ बनाया था सम्राट अशोक ने, और 14 शिलालेख बनवाया था। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? देखिए, जो महास्थान अभिलेख है बांग्लादेश में है, महास्थान अभिलेख, उसमें उस अभिलेख में इस बात का जिक्र है कि जो मौर्य काल में अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, कोई दैवी प्रकोप पड़ता था, उस समय राहत कार्य किया जाता था, सरकार द्वारा राहत कार्य किया जाता था। अशोक के मानसेहरा अभिलेख, मतलब मानसेहरा जो है पाकिस्तान में है, तो अशोक के मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान में है, ये अशोक के शिलालेख हैं, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। तो अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो खरुष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है उसमें खरुष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। जबकि भारत में जो इसमें वर्तमान भारत में जो अभिलेख हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, और जो पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी मानसेहरा का अभिलेख है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कंधार में जो अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाए गए हैं उसमें ग्रीक एवं आर्मेनिक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यह सब है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में प्रचार हेतु गए थे।
जहाँ महारक्षित लिखा हुआ है, महारक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था प्रचार के लिए। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कंधार से। कंधार से ग्रीक एवं आर्मेनिक लिपि में लिखा गया है जो अभिलेख है, ये द्विभाषी अभिलेख है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया है, विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा लिखा गया है और यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया गया। सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया है यह विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा दिया गया है, जिसमें तरह तरह की बातें की गई हैं कि उसमें 7 सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसमें कौन शामिल है, तो उसमें राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल है। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुरुमय कहाँ का शासक था। तो देखिए अशोक का जो समकालीन शासक श्रीलंका का शासक जो था तिस में था, और तुरुमय जो शासक था उस समय वह मिस्र का शासक था तुरुमय। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो डायमेकस आया था बिंदुसार के समय में। डायमेकस आया था बिंदुसार के समय में आया था। जो सीरिया के शासक एंटियोकस थे उनका राजदूत बनकर आया था डायमेकस बिंदुसार के समय में। प्रश्न नंबर 41 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अभी अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो मास्की या गुर्जरा। देखिए दो शिलालेख हैं, मास्की या गुर्जरा, इन दोनों में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया, मतलब अशोक को सिर्फ अशोक ही कहा गया मास्की और गुर्जरा दोनों में। प्रश्न नंबर 42, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसापुर में। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट जो था, यह अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके वह शासक बना था, शुंग वंश की स्थापना किया था 185 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 43, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो था वह उस समय सेनापति था मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य का शासक था उस समय बृहद्रथ, उसकी सेना में सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 44, कड़वंश का संस्थापक कौन था। कड़वंश का जो संस्थापक था वासुदेव। देखिए जो मौर्य वंश के शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शासक बना, और जब पुष्यमित्र शुंग के कुछ और समय बीता तो उनका भी सेनापति था वासुदेव, उसने उन्हें उनके अंतिम शासक शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके वासुदेव कौड़वंश की स्थापना किया। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया, सातवाहन वंश की स्थापना सीमुक ने किया था। सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। देखिए जो सातवाहन वंश के जो लोग थे वह किसके सामंत थे, मतलब किसके अधीन थे, किसके अंतर्गत अधिकारी के रूप में काम करते थे, तो मौर्यों के अधीन थे। सातवाहन जो थे मौर्यों के अधीन अधिकारी के रूप में काम करते थे। बाद में वो मौर्यों के उत्तराधिकारी जो थे कमज़ोर हो गए, तब सातवाहनों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो सातवाहन जो थे मौर्यों के अधीन थे, मौर्य के अधीन थे सातवाहन। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, तो कनिष्क जो था वह महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे, अशोकघोष थे, वसुमित्र थे, इस तरह के विद्वान थे। चरक भी कनिष्क के दरबार में ही रहता था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति में का आयोजन किया गया था, कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, यह सभी बातें हैं। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 48, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली में किसका मिश्रण था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली में किसका मिश्रण था, तो भारत और ग्रीक का मिश्रण था। जो उस समय गांधार कला में मूर्तियां बनती थीं भगवान बुद्ध की, वह भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण था उसमें। प्रश्न नंबर 49, कनिष्क की राजधानी क्या थी। देखिए कनिष्क की जो दो राजधानियाँ थीं, एक था पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा। पुरुषपुर ही इस समय पेशावर है जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो पुरुषपुर राजधानी थी और दूसरी राजधानी थी मथुरा। यह कनिष्क की दो राजधानियां थे। पुरुषपुर जिसका दूसरा नाम क्या था, तो पुरुषपुर जिसका दूसरा नाम था पेशावर। तो ठीक है दोस्तों, यह कुल 50 प्रश्न आप लोग को दे दिए गए हैं, ये आज का प्रश्न है, यह कुल 7वीं सीरीज है आप लोग की।
और कम से कम इस तरह से 4 से 5 प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपके पास माध्यम है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, हर माध्यम पर इस वीडियो को भेजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़िए, जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।